तीन तीन मुख्यमंत्रियों की घोषणा के बाद भी गरुड़ में सब रजिस्ट्रार कार्यालय शुरू नहीं हो सका है, जिससे गरुड़ क्षेत्र की जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां बता दें कि जमीन विवाह पंजीकरण संबंधी कार्यों की परेशानी को देखते हुए गरुड़ में सब रजिस्ट्रार कार्यालय खोले जाने की मांग विगत कई सालों से की जा रही है। कार्यालय खोलने के लिए तीन मुख्यमंत्री घोषणा भी कर चुके हैं। रजिस्ट्रार कार्यालय के अभाव में गरुड़ के लोगों को 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। अधिवक्ता गिरीश कोरंगा ने बताया कि कार्यालय खोले जाने की मांग को लेकर कई बार आंदोलन भी किए जा चुके हैं, लेकिन हर बार आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला है। अधिवक्ताओं सहित गरुड़ क्षेत्र की जनता ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय खोले जाने की मांग की है। गरुड़ जो रजिस्ट्रार ऑफिस का विषय है वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी सरकार में थी, तब से वो पत्रावली जो है वित्त में लंबित है और आज से वो पत्रावली वित्त में लंबित है और लगातार उस पत्रावली के लिए हम लोग गरुड़ बार एसोसिएशन लगातार पत्राचार उसके लिए करती है और अन्य संगठनों के द्वारा भी जो है गरुड़ में रजिस्ट्रार ऑफिस खोलने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है, लेकिन जो है सरकार इस पर बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही है। इसका जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम है कि पब्लिक को गरुड़ जैसे क्षेत्र से कम पूरा एक दिन बर्बाद करना होता है बागेश्वर आके जो है अपनी रजिस्ट्री या जो वैवाहिक कार्य है उनको संपन्न करने के लिए, उससे जो है काफ़ी जो है लोगों को आर्थिक और जो है मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो है यहाँ सर्वर ही नहीं होता है, लाइट ही नहीं होती है। इस रजिस्ट्रार ऑफिस के तो हाल ही है कि अभी लाइट चले जाए और लाइट आए नहीं तो यहाँ जनरेटर का भी कनेक्शन नहीं है, तो इसके लिए भी हम लोग लगातार जो है बार बार जो है शासन को पत्राचार करते हैं, लेकिन इसमें जो है सरकार द्वारा कोई भी जो है सकारात्मक प्रयास नहीं किया जा रहा है। इसकी हम जो है लगातार हम फिर आंदोलन भी जो है गरुड़ बार एसोसिएशन द्वारा किया है और हमने अभी फिर जो है उनको पत्राचार किया हुआ है। देखते हैं कि अगर ये समय से अगर खुलता है, भाजपा के जो हमारे भाई लोग हैं वो लोग भी लगातार हमसे कहते हैं, आश्वासन दे रहे हैं पिछले 15 सालों से कि हम खोल रहे हैं, लेकिन वो भी जो है असफल हो रहे हैं इस प्रयास में। सीटीएन न्यूज़ के लिए अखिल जोशी की रिपोर्ट।